सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ एयरफोन बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ एयरफोन को किस तरह से बनाई गई है आप वीडियो में देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका मेजरमेंट स्क्रीन पर। तो इस सारी पीवीसी पाइप का मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो फ्रेंड्स हमको मिलता है बड़े ब्लूटूथ एयरफोन की मॉड्यूल है। उसके बाद 3.7 लिथियम बैटरी और फ्रेंड्स एक खराब एयरफोन का दो लेफ्ट और राइट साइड का स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आज का प्रोजेक्ट में इन सारे कंपोनेंट्स है आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल एसके टेक्नोलॉजी लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलें इससे मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से मैं उसको यहाँ पर ड्राइंग करके USB का एक होल कर दूँगा इस तरह से। तो
तो दोस्तों ये सारी हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ग्लू लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मैं ग्लू लगा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा बीच का बटन है उसको ऑन किया तो पावर ऑन हो जाएगा। तो ये सारी हो जाने के बाद मैं इस तरह से सारे कोने को रफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हम इसको ऑरेंज प्रिंट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैं किस तरह से ऑरेंज प्रिंट किया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों पेंट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा चार्जिंग टेस्ट। जो चार्जिंग ऑन किया तो ये रेड लाइट ऑन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये ऑन ऑफ में किया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ब्लूटूथ ऑन करके उसका साउंड टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारी एसकेटी टेक्नोलॉजी लैब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स ऐसे ही और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।